गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकार व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलं गुरुर्मूर्ति पूजा मूलं गुरुर्पदं मंत्र मूलं गुरुर्वाक्यं मोक्ष मूलं गुरु कृपा। प्रतिस्मरणीय हृदय सम्राट गटगटवासी प्रांदन महाप्रभु श्री नंगली निवासी भगवान जी के पावन चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। दादा गुरु महाराज जी व श्री सतगुरुदेव भगवान के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उपस्थित मेरी आदरणीय संत बहने और मेरे प्रिय महात्मा जी व अपनी अपनी अगाध श्रद्धा निष्ठा और प्रेम को लेकर के बैठे हुए श्री गुरु महाराज जी के प्यारे गुरुमुखों प्रेमियों माता बहनों अपनी मनोवृत्ति को एकाग्र करते हुए मेरे साथ मिलकर के जय घोष करें। बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोलो साचे दरबार की जय, बोलो श्री नंगली वासी भगवान की जय, बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में हो रहे इस कार्यक्रम में उपस्थित मेरे श्री गुरु महाराज जी के प्यारे भक्तजनों माताओं बहनों परम सौभाग्य है आपका। अधिकांश देखने में मिलता है कि एक या कहीं कहीं दो दिन का ये कार्यक्रम होता है, परंतु इस कार्यक्रम के संयोजक धन्यवाद के पात्र हैं। ये छपरा सेवा समिति जो है इनका बहुत बड़ा पुरुषार्थ है और संत बहन जी ने आकर के चार चांद लगाए हुए हैं। मैंने तो प्रधान जी का भी आज नया रूप देखा है, पहले तो मैं पहचान ही नहीं पाया और फिर ये सखियों का वो दीवानापन डांडिया खेलते हुए। तो ये संत बहन जी ने आपको प्रभु के रंग में रंगा हुआ है और मुझे ये सब दृश्य देख करके बड़ा अच्छा लग रहा था। अब मुझे शायद 5-7 मिनट के लिए बोला है, तो जब 5-7 मिनट हो जाए मुझे आप बता देना कृपा करके, क्योंकि टाइम का कुछ ख्याल नहीं रहता और कहने कहाने की तो कोई बात ही नहीं। ये सबको पता है कि कान्हा जी इस धरा पर आए, जन्माष्टमी के रूप में वो कार्यक्रम आप हर साल करते हो और आपको ये भी पता है कि वो कौन है, ये सबको पता है। अब मैं क्या बताऊंगा, आप सब जानते हैं कि वो कौन है और क्या करने के लिए आए ये भी आपको पता है और उन्होंने क्या क्या किया ये आप सब जानते ही हैं। तो अब कहने कहलाने की तो कोई बात है नहीं वैसे, परंतु जब जब होए धर्म की हानि बाढ़ असुर आदम अभिमानी तब तब धरई प्रभु विविध शरीरा। जब जब भी धर्म की हानि होती है धर्म की स्थापना करने के लिए वो प्रभु इस धरा पर अवतरित होते हैं। जब जब बाढ़ धर्म की हानि जब जब होए धर्म की हानि बाढ़ असुर अदम अभिमान। जब असुर बढ़ जाते हैं असुर प्रवृत्ति के लोग अधिक हो जाते हैं तो वो प्रभु विभिन्न शरीर धारण करके इस धरा पर आते हैं। कभी राम बने कभी कृष्ण बने कभी नानक रूप कहाए हैं, वही तो मेरे हारा वाले संत रूप धराए हैं। दादा गुरु महाराज जी श्री परमहंस दयाल जी महाराज राम का रूप इस धरा पर आए, मर्यादा पुरुषोत्तम राम का रूप धारण करके इस धरा पर अवतरित हुए मर्यादा कायम करने के लिए, हमारे जीवन के उद्देश्य को दर्शाने के लिए,
अब उनके जीवन से शिक्षा मिलती है कि हमें संग्रह कितना करना चाहिए। अब उन्होंने कितना संग्रह किया ये आप जानते हैं। ये भूमि भी हमें कैसे प्राप्त हुई और कितने वर्षों के बाद पता चला कि दादा ब्रह्मा जी के शरीर का जन्म यहां पर हुआ। उन्होंने अपना नाम पता तक नहीं बताया, सारी संपत्ति छोड़ करके वो चले गए, तीन वस्त्रों में घर से निकले और वो भी गंगा जी पर जाकर के त्याग दिए। एक लंगोट पहने ही 17 वर्ष तक बक्सर के जंगलों में ही तप करते रहे। ऐसी कठोर साधना, इन लौकिक वस्तुओं का त्याग करके उन्होंने जो संपत्ति का संग्रह किया वह वर्णनीय है। और अब उस बात में आगे जाएंगे तो फिर समय पता नहीं चलेगा कितना हो गया, इसलिए अब उधर नहीं जाना। अब बात करनी है कृष्ण जन्म की। अब मैं समझता हूं श्री नंगली निवासी भगवान वो कृष्ण का ही अवतार है, कभी राम बने कभी कृष्ण बने कभी नानक रूप कहाए हैं, वही तो मेरे हारा वाले संत रूप धराए हैं। मेरे श्री सतगुरुदेव भगवान ने जो जो लीलाएं की, जैसे हम भगवान श्री कृष्ण को भगवान मानते क्यों, क्योंकि उनकी बाल्यकाल की लीलाओं को देखा सुना, देखा तो नहीं सबने लेकिन सुना, उनको सुना और ये लगता है कि वो सचमुच भगवान इस तरह पर अवतरित हुए। जन्म के समय हथकड़ियां खुल जाना माता पिता की और ये आकाशवाणी होना कि मुझे गोकुल में पहुंचाओ, और सब जितने भी द्वारपाल थे सब सो गए, ऐसी माया फैला दी। और जब नंद बाबा लेकर के जा रहे हैं, नंद बाबा के गांव में लेकर के जा रहे हैं पिता वासुदेव, तो रास्ते में यमुना जी उफान पर आई, जब नाक तक पानी आ गया तो घबरा गए, लेकिन पिता की घबराहट देख करके वो प्रभु अपने चरण छुआते हैं यमुना जी में और जल सतह नीचे आ जाता है। और फिर आने पर फिर हथकड़ियों का लग जाना, तो ये कोई साधारण लीला नहीं है। फिर कनिका उंगली पर गोवर्धन जैसे पर्वत को उठा देना, ये क्या कोई साधारण व्यक्ति कर सकता है। शेष नाग के शीश पर नृत्य करना, जिसको देखकर लोग डर जाते हैं, भाग जाते हैं घर छोड़कर, तो ऐसी लीलाएं ये दर्शाती हैं कि कोई साधारण महापुरुष नहीं। इसी प्रकार अगर हम श्री नंगली निवासी भगवान की लीलाओं को देखते हैं, जन्म के समय इतना प्रकाश उस कमरे में हो जाना, जो माताएं वहां उपस्थित थी उन्होंने बताया कि सूर्य के प्रकाश की भांति वह कमरे के अंदर प्रकाश हो गया। सुबह 4 बजे बसंत पंचमी के दिन कमरे के अंदर इतना प्रकाश का हो जाना कोई साधारण बात नहीं। उनके प्रकट होने पर इतना प्रकाश, क्योंकि परमात्मा तो प्रकाश स्वरूप ही है, वो एक शरीर धारण किया उन्होंने, वो प्रकाश के रूप में ही आए लेकिन वो एक शरीर धारण किया। और फिर बंद मुट्ठी का हाल बताना, कोई भी मुट्ठी में कुछ ले लेता जो होता बता दे। और 3-3 दिन तक 3 महीने की अवस्था में ही शरीर सहित अलोप हो जाना, ये कोई साधारण बात नहीं। 3 घंटे भी बच्चा मां से जुदा हो जाए तो रो रो करके बुरा हाल होता है, और 3 दिन बाद भी वो मुस्कुराता हुआ चेहरा और नाग ने अपना फन फैलाया हुआ है और वो मुस्कुरा रहे हैं। ये लीलाएं दर्शाती हैं कि वो कोई साधारण महापुरुष नहीं थे, वो धर्म की स्थापना करने के लिए यहां पर आए। अब हमें समझने की जरूरत है धर्म क्या है। जो आपने अभी सुना कि जब जब हुए धर्म की हानि, बड़े असुर अधम अभिमानी जो अभिमान करता है कि मैं हूं कुछ, मैं हूं,
तो जिनकी मैं होती है मैं तो बड़ी जल्दी नष्ट कर देते हैं जब अपनी मौज में जाते। कंस में मैं आई तो भगवान कृष्ण आए, रावण में मैं आई तो उसकी मैं उसको मिटाने के लिए राम आए। और जो हमारे अंदर के असुर हैं, हमारे अंदर जो असुर आ जाते हैं, हमारे अंदर अभिमान बढ़ जाता है, मैं आ जाती है, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, इनको नष्ट करने के लिए मेरे श्री सतगुरुदेव भगवान का अवतार हुआ। हमारे भीतर की व्यथा को दूर करने के लिए मेरे श्री सतगुरुदेव भगवान इस तरह पर अवतरित हुए। एक होते निमित्त अवतार, एक होता नित्य अवतार। निमित्त अवतार तो जैसे भगवान राम इस धरती को राक्षसों से मुक्त करने के लिए अवतरित हुए, ताकि ऋषि मुनि तपस्वी साधु संत महापुरुष बड़े आराम से तपस्या कर सकें, साधना कर सकें, बंदगी कर सकें। और भगवान श्री कृष्ण भी इस धरा पर धरती को पाप से मुक्त करने के लिए अवतरित हुए। प्रहलाद की रक्षा करने के लिए नरसिंह रूप में भगवान अवतरित हुए, वो भी निमित्त अवतार के रूप में अवतरित हुए। वो कभी वराह के रूप में अवतरित हुए नरसिंह की रक्षा करने के लिए। नरसिंह के रूप में भगवान अवतरित हुए प्रहलाद की रक्षा करने के लिए, हिरण्यकश्यपु का वध करने के लिए। तो ये निमित्त अवतार हुए सब, लेकिन नित्य अवतार के रूप में मेरे श्री सतगुरुदेव भगवान इस धरा पर अवतरित हुए एक संत के रूप में। संत नित्य अवतार के रूप में माना जाता है, वो हमारे अंदर की व्यथा को दूर करता है। हमारे भीतर के जो चोर हैं, हमारे अंदर जो कपट है, उसको नष्ट करता है। वो हमें युक्ति बता देते हैं, ऐसा सरल और सुगम मार्ग दर्शा देते हैं। वो नाम दीक्षा देकर के हमें हमारे जीवन का उद्देश्य दर्शा देते हैं। फिर परिस्थितियां कैसी भी हो, अपने अंदर से आनंद की अनुभूति होने लगती है। और वास्तव में मानव जीवन के उद्देश्य की पूर्ति भी तभी होती है जब अपने चित्त में अपने इष्ट का स्वरूप जो है हृदय गमन हो जाता है, और उस शब्द की रट हमारे अंदर चलती रहती है। श्वास के साथ साथ वो शब्द चलने लगता है, तो उसके साथ जो है हमारे अपना जो अंतःकरण है वो शुद्ध होता है, हमारे अंदर की मलिनता दूर हो जाती है। हमारा अंतःकरण जन्म जन्मांतरों के पाप कर्मों से मलिन हो जाता है, जाने अनजाने में जो भी होते हैं, और उसकी शुद्धि केवल और केवल श्री सतगुरुदेव भगवान के ध्यान और सिमरन से ही हो सकती है, और कोई भी साधन नहीं। एक होते हैं आर्थिक कष्ट, भौतिक दुख, दूसरे होते हैं दैवीय, और तीसरे होते हैं आध्यात्मिक। तीन प्रकार के दुख हैं। इशारा हो गया है, पता नहीं बस करने के लिए बोला या इतना और बोलना, क्या बोल रहे हो? मैं समझा नहीं। तो मैं इसी प्रसंग को शॉर्ट में कह करके वाणी को विराम देता हूं, क्योंकि कार्यक्रम के संयोजक ये हैं, लेकिन आपकी अध्यक्षता में हो रहा है, इसलिए आदेश का पालन करना मेरा कर्तव्य है। आप चाहे जो भी मानते हैं, लेकिन फिर भी आपका अधिकार है कहना, क्योंकि आप की अध्यक्षता में एक कार्यक्रम है। मैंने कल कार्ड में पढ़ा कि आपकी अध्यक्षता में एक सब कार्यक्रम हो रहा है, मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। और मुझे भी श्री गुरु महाराज जी ने बुला लिया अकस्मात, पहले से कोई प्लान नहीं था, तो मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। तो कहना ये है, ये तीन प्रकार के कष्ट हमारे शास्त्रों में वर्णित है, भौतिक, दैविक और आध्यात्मिक। भौतिक कष्टों का निवारण पाठ पूजा व्रत इत्यादि से कुछ कुछ हो जाता है। भौतिक कष्ट कौन से होते हैं पता है? बताओ। उसके घर सोफा बहुत अच्छा है, मेरे घर में बढ़िया नहीं है। उसका ड्राइंग रूम बहुत सुंदर बना, अरे मेरा भी कभी बनेगा। घर में क्लेश हो जाता है इन बातों से कभी कभी,
तुम क्या करते हो, तुम कुछ बनाते ही नहीं। उनकी रसोई कितनी अच्छी है, उनका वॉशरूम कितना अच्छा है, उनकी कोठी कितनी अच्छी है, उनकी गाड़ी कितनी अच्छी है, उनके घर में फ्रिज इतना बड़ा है, हमारे घर में क्यों नहीं है। क्या कलेश हो जाते हैं, दुखी रहते हैं व्यक्ति कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, ये भौतिक दुख है। तो व्रत करने से, पाठ पूजा करने से, मंदिर गुरुद्वारे जाने से कुछ कुछ निवारण इसका हो जाता है। और दैवीय कष्ट होते हैं अकस्मात कोई दुर्घटना का घट जाना, भूकंप आना, बाढ़ आना इत्यादि इत्यादि, जो इस प्रकार के कष्ट होते हैं वो हवन यज्ञ इत्यादि से उसका कुछ कुछ निवारण हो जाता है। तीसरे आध्यात्मिक दुख, सब कुछ होते हुए भी दुखी है, सब कुछ दिया है परमात्मा ने, खाने पीने की कमी नहीं है, कार कोठी सब कुछ है, लेकिन फिर भी दुख है। उसमें मैं है कि जो मैं चाहता हूं वो क्यों नहीं हो रहा, वो आध्यात्मिक दुख है। उसका निवारण ना मंदिर गुरुद्वारे जाने से होता है, ना व्रत करने से होता है, ना हवन यज्ञ करने से होता है। उसका निवारण केवल और केवल उस परमात्मा के नाम के सिमरन से होता, और नाम का सिमरन ये एक ऐसा बाण है जिससे सारे शिकार खेले जा सकते हैं, जिससे सब कष्टों का निवारण हो जाता है। फिर अलग से कुछ भी करना बाकी नहीं रह जाता, फिर आप और कुछ व्रत त्योहार इत्यादि करो या ना करो, अगर आप नाम का जाप करते हो, त्रैताप विनाशाय श्री कृष्णाय व्योम नमः, तीनों प्रकार के तापों का, ताप कहते हैं दुख को, तीनों प्रकार के तापों का निवारण उस परमात्मा के नाम के साथ हो सकता है। तो एक ही बाण चलाएं तो फिर सब कष्टों का निवारण हो जाए, कोई ऐसी गोली मिल जाए जिससे बहुत बीमारियों का हल हो जाए। कहते हैं ना डॉक्टर से, अरे इतनी दवाइयां कौन खाए, कभी ये रोग कभी वो रोग कभी ये रोग, कोई ऐसी दवा मिल जाए एक गोली खाने से ही उसका निवारण हो जाए, तो वो केवल नाम की गोली है। सतगुरु के ध्यान में जुड़े रहो और नाम का जाप करते रहो। इन्हीं शब्दों के साथ अब माइक भी बजना दोबारा शुरू हो गया है, तो आइए मिलकर के जय घोष करें। आगे का जो कार्यक्रम होगा वो संत बहन जी आपको बताएंगे। बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोलो साचे दरबार की जय।